और मेरे साथ आज आपके मेज़बान हैं जो तब्दीली के हामी भी हैं और तरक्की पसंदी इनके मिजाज में शामिल है, इनकलाबी सोच के हामिल हैं, अपनी तहरीरों में समाजी और सियासी मसाइल को उजागर करते रहते हैं, NSF के जनरल सेक्रेटरी भी रहे और फैज कल्चरल फाउंडेशन के बानी मेंबरान में से एक हैं। इस्तकबाल कीजिए आसिम शाह। बहुत बहुत शुक्रिया निकत। हमारी इस महफिल के पहले मुकर्रर हैं, फैज कल्चरल फाउंडेशन के सदर हैं और तरक्की पसंद सोच से उनकी दारीना वाबस्तगी है, अहबाब फैज में से हैं और हमें फख्र है कि वो फैज कल्चरल फाउंडेशन के सदर हैं। मैं स्टेज पर आने की दावत देता हूं सरदार मजहर अली खान साहब को। आपकी भरपूर तालियों में सरदार मजहर अली खान। इन दिनों रस्मों रहे शहरे निगारा क्या है, कासदा कीमत गुलगश्ते बहारा क्या है, कुए जाना है कि मकतल है कि मैखाना है, आजकल सूरत बर्बादी यारा क्या है। हिज एक्सीलेंसी हाई कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान, हिज एक्सीलेंसी एम्बेसडर ऑफ पैलेस्टाइन खुशामदेद एंड सेनेटर अफरीद साहब खटक साहब, वेलकम एंड मियां इफ्तिखार हुसैन साहब, वेलकम। वी आर ग्रेटफुल दैट यू टुक पेन टू कम हियर, वी वेलकम यू। एंड प्रोफेसर परवेज हूद बॉय, लीडिंग इंटेलेक्चुअल फ्रॉम पाकिस्तान, वी आल्सो वेलकम यू सर। मोहतरमा फहमीदा रियाज साहिबा, सलीमा फैसल, सलीमा हाशमी साहिबा, मोहतरमा शीमा किरमानी साहिबा जो एक रिनाउंड आर्टिस्ट हैं पाकिस्तान से, जनाब अरशद महमूद साहब जो ओल्ड रावियन हैं। आजकल पाकिस्तान के सियासी हलकों में बड़ी शिद्दत से स्टेटस को की एक बहस चल रही है और दूसरी तरफ पाकिस्तान को एक फलाही रियासत बनाने की बहस का भी आगाज हो रहा है। मैं 76 साल का एक बूढ़ा आदमी हूँ, मैंने पाकिस्तान को बनते हुए भी देखा है और पाकिस्तान को टूटते हुए भी देखा है। मेरी हकीर सी सियासी जद्दोजहद में मुझे किसी मुस्बत तब्दीली की आरज़ू की हसरत ही रही। 50 साल से ज़्यादा मुहित है लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो दिन आया वो पहले से बदतर ही आया, कोई बेहतरी की उम्मीद नहीं अभी तक नहीं हुई। अब ज़िंदगी के आखिरी दौर में यही तमन्ना है कि फैज़ को मानने वाले आप सब साथियों की मुसलसल जद्दोजहद के सिले में पाकिस्तान को एक वेलफेयर स्टेट बनते देखना नसीब हो जाए। बहुत हो चुका हमारे साथ, हम बंदगान बेकस, नज़ीर भी हैं बशीर भी हैं, 70% आवाम हम मैटर नहीं करते, हम किसी गिनती शुमार में नहीं हैं, हम कमी कमीन हैं, हमें कमी कमीन कहते हैं जो हम कपास बोते हैं, चावल बोते हैं, फसलें बोते हैं, मेहनत करते हैं, उसके बाद हम कमी कमीन हैं और जो पैरासाइट्स हैं जो कोई काम नहीं करते वो वहाँ के शुरफा है। अब 14 आदमियों को मार दिया, 100 से ज़्यादा को ज़ख्मी किया और आज तक पर्चा जो नहीं हो सका, और वहाँ पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि हमने सिस्टम को बचाना है। मेरे दोस्त और जद्दोजहद में जो शामिल हैं मियां साहब, मियां इफ्तिखार हुसैन साहब, मैं यही इनसे पूछ रहा था कि हजूर वो सिस्टम कौन सा है, उस सिस्टम ने हमें इन सारे अरसे में क्या दिया है, किस सिस्टम की हम बात करते हैं? ये लूट मार के सिस्टम की, रेप के सिस्टम की, बदमाशी के सिस्टम की, एलिटिज्म के सिस्टम की, तो कब हमें इस सिस्टम से छुटकारा मिलेगा? इन्हीं दिनों में एक और बहस भी चल रही है साइड बाय साइड, जिसमें
हिंदुस्तान और पाकिस्तान में अमन की आशा का जिक्र हो रहा है। मैं समझता हूं कि ये यकीनन एक खुशाइन कोशिश है। पाकिस्तान में एक बड़ा अखबार जंग और हिंदुस्तान के एक मशहूर अखबार इंडियन टाइम्स दोनों ने मिलकर इस तारीखी मिशन को का बेड़ा उठाया है। जाहिर है कि ये दोनों अदारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के गरीब आवाम की दिली आरज़ुओं तमन्नाओं की तर्जमानी कर रहे हैं, इसलिए इसकी जितनी भी तारीफ की जाए मेरी समझ के मुताबिक वो कम है। इसमें हमें भरपूर हिस्सा लेना चाहिए। इस सिलसिले में शायद बहुत सारे दोस्तों को याद न हो कि फैज़ साहब इस अजीमुशान तहरीक के और बानी मुबानियों में शुमार होते थे। उस वक्त दोस्ती की बात करना एक जुर्म समझा जाता था। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की दोस्ती की बात करना, उन पर गद्दारी का मुकदमा भी चला इसी बुनियाद पर। इसके लिए पाकिस्तान में जो भी हुकूमत आई उसने सबसे पहले फैज़ को पसे जंदा भेजा। फैज़ हमेशा फरमाते थे कि पाकिस्तान के हुक्मरान हज़ारों मील दूर जाकर सीटों और सेंटों में साम्राज्यों से दोस्ती करते हैं, हालांकि इनकी तरक्की और खुशहाली इनका मुस्तकबिल अपने करीबी हमसायों से वाबस्ता है। हिंदुस्तान के गरीब आवाम से हमारा कोई झगड़ा नहीं, हमारे दिल एक साथ धड़कते हैं। बंटवारा आखिरकार हर घर में होता है, असल में बुरा मनाने वाली कोई बात नहीं। अगर यूरोपीय मुल्कों के रवायती दुश्मनी दोस्ती में बदल सकती है, तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए अपने सफ़र का आगाज़ क्यों नहीं कर सकते। लिहाजा फैज़ मेला न सिर्फ अमन की आशा के सिलसिले की कड़ी है, बल्कि हम दोस्तों का पुख्ता यकीन है कि बिलाखिर पाकिस्तान में एक महज़ब तरक्की पसंद और लिबरल माशरे का अहया ऐन मुमकिन है। पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए हुए तरक्की पसंद और अमन पसंद दोस्तों की आमद हमारे लिए बायस सद इफ्तिखार है। मुझे यकीन है कि आने वाले दिनों में आप दोस्तों का तआवुन हासिल रहेगा। इसके लिए मैं फैज़ फाउंडेशन की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। शुक्रिया बहुत।